हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा आज वन आपके साथ कुछ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने कुछ पॉट मंगाए थे, कुछ बोनसाई पॉट हैं इसमें और कुछ मतलब अडेनियम के लिए खास मैंने मंगाए हैं। तो मैंने सोचा मेरा ये अडेनियम का ही चैनल है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अगर लेना चाहें तो इस तरह के पॉट में अडेनियम लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे कुछ प्लांट मतलब ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े पॉट में देखिए मैंने लगा के रखा हुआ है। इस समय फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है हमारे गार्डन में, और ये देखिए इधर हैंगिंग बास्केट की वजह से नहीं दिख रहा। तो जो बड़े बड़े पॉट में लगे हुए हैं ना, और उन पॉट की मुझे ज़रूरत भी थी, मुझे अपने रोज़ प्लांट भी रिपोर्ट करने थे। और मेरा एक प्लांट इन्हीं में से ख़राब हो गया था अभी थोड़े टाइम, मतलब 15-20 दिन पहले। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मैं अभी भी थोड़ा सा टाइम है तो मैं इनको शिफ्ट कर दूँ इस बोनसाई पॉट में, ताकि विंटर में भी कोई ऐसी दिक्कत ना आए प्लांट में, और थोड़ा सा चेक भी हो जाएगा। वैसे मेरा ज़्यादा रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बिना ही इनको शिफ्ट करने वाली हूँ। तो देखती हूँ, सबको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ प्लांट में सोच रही हूँ लगा दूँगी। तो ये पॉट मैंने मंगाए हैं, और ये कहाँ से मंगाए हैं ये भी आपको बता देती हूँ। ये मैंने केरला से मंगाए हैं, और इसका मैं आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर जो व्हाट्सअप नंबर उनका वो आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो कमेंट में। मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी वीडियो इसकी अपलोड की थी, तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं इसका एड्रेस। तो ये देखिए, ये मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में दिखाया तो लास्ट तक वीडियो लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए कमेंट में बार बार उन लोगों को पूछना पड़ता है। तो ये देखिए, संदीप AK के नाम से है, मतलब इनका ऋतु पॉट्स के नाम से इनका जो मतलब वो है शॉप है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में पूछते हैं इसलिए मैंने सोचा आप लोग भी परेशान हो, और कुछ कमेंट का रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ के नहीं कर पाती हूँ, इसी वजह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। बाकी मुझे इससे कोई कुछ ये नहीं है, बस यही है कि अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप लोग अगर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए, इनका जो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दोनों ही यही है, तो आप इसको ले करके आप जब भी कभी ऑर्डर करें या मंगाएं तो देख सकते हैं। तो आपको कमेंट में भी नहीं पूछना पड़ेगा बार बार, आप कमेंट कीजिए, और आपके प्यार प्यारे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट थोड़ा सा मैं इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना कि मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये एड्रेस और ये फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर मैं साथ में दे रही हूँ आपको, कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पॉट मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, पिछली वीडियो मैंने मतलब इसकी जो दूसरे चैनल पर डाली थी उसमें मैंने लास्ट में दिखाया था। तो अब इसमें देखिए, ऐसे होल का जो साइन है ये तो बना हुआ है, लेकिन होल बने नहीं थे ये देखिए। तो मैंने आज सब में इनमें होल भी बना लिया है, मैं अनबॉक्सिंग इसकी कल ही कर चुकी थी। और इसमें से मैंने 4 पॉट ये वाले मंगाए हैं, देखिए थोड़ा ये इस तरह से डिजाइन है। तो इसका जो प्राइस है ना, ये आपको बता दूँ, ये मुझे पड़ा है 50 रुपीज पर पीस, और क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो ये वाली क्वालिटी है ना, ये बहुत ही बेस्ट है, एकदम बेस्टम बेस्ट बिल्कुल कह सकते हैं आप, अडेनियम के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो ये मुझे पड़ा है 1 पीस 90 रुपीज का। तो इसका जो पीस है ये मुझे 90 रुपए का एक पड़ा है, आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है। तो 10 पीस मैंने ये वाले मंगाए, इनमें से एक पीस ये ब्राउन वाला घट रहा था, तो उन्होंने ब्लैक उसके बदले भेज दिया है। उन्होंने पहले मुझसे पूछा था कि मैं ब्लैक भेज दूँ या तो फिर कोई दूसरा भेज दूँ, मतलब ब्राउन में यही वाला भेज दूँ जो दूसरा वाला है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सेम ब्लैक ही भेज दीजिए, मैं तो ऑलरेडी मतलब कलर कर लेती हूँ तो मेरे पॉट सेम ही हो जाते हैं। तो ये देखिए ब्लैक है, ब्लैक का लगभग 5 रुपीज इससे प्राइस कम रहता है, और अगर वो 90 रुपये है तो ये 85 या 80 रुपये होगा, शायद 80 रुपये हो सकता है, तो 85 रुपये हो सकता है, 85 रुपीज़ हो सकता है। तो ये देखिए, ये अभी मैंने सब में होल बना लिए, इसमें जहाँ जहाँ पे ये निशान बने हुए थे ना, सभी मैंने होल कर लिया है। कुछ कुछ में अच्छे से हुआ, कुछ में ज़्यादा बड़े, इसमें तो कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। और ये वाला होल मैंने अपने हस्बैंड को दिया था करने के लिए, तो उन्होंने किया, देखिए कितना अच्छे से किया हुआ है उन्होंने। तो जो मैंने किए थे वो थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े हो गए, क्योंकि मैंने गैस पे रख करके मतलब स्क्रू से किया था, और उन्होंने होता है ना गर्म करने में, मतलब प्लग से गर्म करके उसमें से किया था, तो काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो ये देखिए, ये 10 पीस ये वाले हैं और 4 पीसेस ये वाले हैं। उसके बाद मैं आपको अपने लोकल मार्केट के भी पॉट दिखा देती हूँ थोड़े से। तो इनको मैंने 2 दिन पहले मंगाया था, मतलब इनसे पहले ये आए थे। ये मैंने खास कुछ सीडलिंग या कुछ
उसके लिए किया था। इसमें देखिए मैंने कितने ढेर सारे होल बनाए हैं। प्लास्टिक के पॉट अगर आप यूज करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम हमारे तो मिट्टी और सीमेंट में भी खराब हो जाते हैं, आपके प्लांट प्लास्टिक में इतने अच्छे कैसे चलते हैं। तो देखिए ड्रेनेज सिस्टम आप बहुत अच्छे से बनाइए, ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा बनाइए, छोटे थोड़े थोड़े से ड्रेनेज होल बनाएंगे ना दो चार, तो उसमें पानी स्टोर हो जाता है, मिट्टी उसके अंदर मतलब जाके चिपक जाती है छोटे छोटे होल में और पानी पूरे तरह से ड्रेन नहीं हो पाता। इसके नीचे आप कंकड़ पत्थर कुछ डाल सकते हैं या तो राइस हस्क डाल सकते हैं जो पानी को मतलब मिट्टी को होल में जमा नहीं होने देता है और फिर पूरा पानी ड्रेन हो जाता है, तो प्लांट काफ़ी अच्छे चलते हैं। इनका प्राइस जो है वो 10 रुपीज है और ये मैंने 10 पीस मंगाए हैं। ये देखिए साइज सही है, 6 इंच इसका जो साइज है और मतलब कि 5 इंच के लगभग इसका ये चौड़ाई है जो डायमीटर जो बोलते हैं जिसको, तो इस तरह से हैं ये। क्वालिटी अगर बताऊं तो इतनी मतलब नहीं है कि 10-20 साल चलने वाला है, लेकिन 2-3 साल या 3 साल तो आराम से चल जाएगा, इतनी मतलब क्वालिटी है इसकी। तो 10 पीस ये लिए मैंने। उसके बाद मैंने ये देखिए वहीं से इसी पॉट के साथ मैंने ये कुछ हैंगिंग स्टिक भी मंगाई, जो कि मेरी ये हैंगिंग बास्केट है ना इनकी सबकी ख़राब हो गई थी, इसमें की भी ख़राब हो गई थी। देखिए इसमें मैंने लगा करके चेक भी कर लिया है, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और एक इसमें लगाना था, इन दोनों की टूट गई थी और इसकी भी टूट गई थी, एक इसके साथ और पॉट है उसका भी टूट गया था। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने हैंगिंग चेन भी मंगाई है 4 पीस, क्योंकि कुछ बास्केट मैंने घर पे ऐसी बनाई हुई थी तो उन पे मैं ये चेन लगा दूंगी, तो मेरी हैंगिंग बास्केट कुछ और तैयार हो जाएंगी। एक देखिए उन्होंने शायद नवरात्रि के उसमें मुझे एक गिफ्ट भी दिया हुआ है, छोटा सा पॉट है, बहुत ही प्यारा सा, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डैमेज है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए एकदम वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर सा, तो ये छोटा सा पॉट मुझे गिफ्ट में मिला है। तो ये थी आज की मेरी शॉपिंग, आप लोग बताइएगा कैसी लगी, और अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो आप मंगा सकते हैं वहाँ से। तो ये देखिए, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।